आवासहीन परिवारों को राहत पहुंचाने बनाए गए प्रधानमंत्री आवास का इन दिनों बुरा हाल है। दुर्ग के सरस्वती नगर स्थित बने आवास में खिड़की दरवाजे सब हो चुके हैं गायब। मोर मकान मोर द्वार, मोर मकान मोर आस जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत आवासहीन परिवारों को अपना मकान देने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। जहां कुछ जगहों पर ये मकान बनकर तैयार भी हैं, पर कुछ जगहों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग के वार्ड 34 सरस्वती नगर स्थित बने प्रधानमंत्री आवास का नजर आया। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग तो पूरी तरह बनकर तैयार है, मगर उस पर लगे खिड़की दरवाजे सब गायब हैं। यहां तक कि अज्ञात चोरों द्वारा बने मकान को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सारे जरूरी सामानों को भी ले जाया जा चुका है, जिसकी अनदेखी कर निगम प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। इस संबंध में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम आवास के लिए लगातार हम लोग पेपर में भी प्रकाशन कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी आवास की ज़रूरत है वो कृपया हमारे आवास शाखा में आकर संपर्क करें और 3.5 लाख रुपए मात्र में उनको आवास प्राप्त हो जाएगा। उसमें 30% राशि उनको अभी तत्काल जमा करने की ज़रूरत है। अगर वो उतना जमा करते हैं, 30% भी नहीं, 10% भी राशि अगर जमा करते हैं तो उनको हम आवास के ड्रा में उनका नाम ले लेंगे और उसके बाद उनको चाबी तभी सौंपेंगे जब वो पूरा राशि जमा कर दें। लेकिन लोग अभी राशि जमा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से इसमें विलंब है। वो अभी जो ठेकेदार हैं उन्हीं के अंडर में हैं। ठेकेदार हमको धीरे से कंप्लीट करके देंगे, उनको हमने नोटिस जारी किया है और साथ में पैरेलल में जो लोगों ने आवेदन किया है, जैसे कंप्लीट होगा अगर वो पैसा जमा करते हैं लोग, उनको हम हैंड ओवर करते चले जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।